पंजाब दी चार दिन की फेरी ते गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं जबरदस्त विरोध का सामना करना पिया। दिल्ली तो रवाना होने तो पहला औरतों ने विरोध प्रदर्शन किया तो लुधियाना पहुंचने ते अकाली दल ते कांग्रेस के वर्करां वल्लों केजरीवाल खिलाफ नारेबाजी की गई। दिल्ली तो लुधियाना तक दियां इह तस्वीरां दसण दे लई काफी ने कि आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर दी पंजाब फेरी अते आम आदमी पार्टी दी पंजाब विधानसभा चोणां दी राह आसान नहीं होवेगी। चार दिनां दी पंजाब फेरी दे लई दिल्ली तो रवाना होण दे लई अरविंद केजरीवाल नवीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तां उहनां नूं महिलावां दे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दा सामना करना पिया। औरतां वल्लों केजरीवाल दे खिलाफ नारेबाजी कीती गई अते उहनां नूं चूड़ियां भी विखाईआं गईआं। दूजे पासे केजरीवाल जदों शताब्दी ट्रेन राही लुधियाना रेलवे स्टेशन ते उतरे तां तस्वीरां उत्थे भी वख नहीं सी। लुधियाना रेलवे स्टेशन ते अकाली दल अते कांग्रेस दे वर्करां वल्लों केजरीवाल ते औरतां दी सुरक्षा ना कर सकण दा इल्जाम लगाया गया अते विरोध प्रदर्शन कीता गया। प्रदर्शनकारियों ने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल विदेशी ताकतां नाल मिल के पंजाब दा माहौल खराब करना चाहुंदे ने। उससे महिलाओं का शोषण कर रहे हैं ये लोग। मूलभूत सुविधा है राशन कार्ड, एक राशन कार्ड देने की खातिर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पंजाब सरकार भी मान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को विदेशों से फंडिंग हो रही है। हम इस बात की जांच करवाने की मांग करते हैं कि आम आदमी पार्टी को जो फंडिंग हो रही है पंजाब का माहौल खराब करने के लिए, पंजाब के अमन चैन को खराब करने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गो बैक, अरविंद केजरीवाल तुमने दिल्ली का माहौल खराब किया, अब पंजाब के शांत माहौल को खराब मत करो। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर नूं पंजाब कन्वीनर दे ओहदे तों हटाउण दिल्ली च आम आदमी पार्टी दे विधायक संदीप कुमार दे सामने आए सेक्स स्कैंडल अते टिकटां दी वंड नूं लैके लग रहे पंजाब च इल्जामां च घिरी आम आदमी पार्टी दी मुश्किल वधदी नजर आ रही है। इन्हां इल्जामां दा असर केजरीवाल दी पंजाब फेरी ते वी पैंदा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे ते हुए विरोध प्रदर्शन ते सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने वड्डा बयान दिता। छोटेपुर ने इस नूं केजरीवाल के दोगले रवैये का ही नतीजा दसिया। उधर अकाली दल ते कांग्रेस ने भी किया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सियासत नूं शर्मसार किया है। दिल्ली तो लैके पंजाब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुस्से दी इन्हां तस्वीरां दे सामने आने तो बाद हुण इस ते सख्त सियासी बयान भी आने शुरू हो गए ने। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने इस नूं केजरीवाल दी दोगली सियासत दा नतीजा दस्या है। जिवें भी महिलाओं ने अच्छा स्वागत किया है दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी, और जब पंजाब में आए हैं तो उधर भी लुधियाना स्टेशन में लेडीज ने अच्छा उनका स्वागत किया है। तो मैं समझता हूँ कि उनको एक बात करनी चाहिए, जो उनके अपने प्रिय होते हैं वो जितनी बड़ी वर्जी बड़ी बात कर जाएं उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सियासत नूं शर्मसार कर दिता है। उधर बीजेपी दे नाल कांग्रेस ने भी आप दे सेक्स स्कैंडल दे मामले दे विच अरविंद केजरीवाल ते सियासी हमला किया। पंजाब होर तरह दी स्टेट है, इत्थे इस तरह का मेरे ख्याल हिस्टरी च कदी नहीं होया कि पोलिटिकल आदमियों से यह जिया लानत लगन। ये बहुत शर्मनाक है, और पोलिटिकल बंदे गलती करता लेकिन बदनाम सारे हो जाते, यह बड़ा अफसोस है। ये अपने आप संदेश है कि हुण ना तो दिल्ली की जनता उन्होंने पसंद नहीं करती, और खास करके महिलावां का जिस तरह उन्होंने शोषण होया उसनों लैके, और एक जिहड़ा उन्होंने बहुत कहा कि असीं भ्रिष्टाचार खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े उल्टे सीधे वादे किए सी, और लोगों नूं लुभावने जिहड़े सबज बाग दिखाए सी, उन्हां सारयां चों बुरी तरह फेल होया। लोकां दे ज़हन ते असर कर रही है कि इत्थे आप पार्टी ने
औरतों नाल बेपत्ती की है, उन्हां दी बेहुरमती की है। मैनू लगता है किसी लैवल तक ये पंजाब दे लोकां च ये रंज है, इस गल दा गिला है। अरविंद केजरीवाल दी पंजाब फेरी दी शुरुआत है। विरोध दियां तस्वीरां तो अंदाजा लाया जा सकता है कि केजरीवाल दे लई पंजाब दे विच आउण वाले तीन दिन किवें दे रहण वाले ने। विरोधी धिर अरविंद केजरीवाल नूं घेरन दा कोई मौका नहीं छड्डेगी। सिर्फ विरोधी धिर ही नहीं, आप दे बाकी आगू भी केजरीवाल दी दोगली सियासत नूं लै के उन्हां दे सियासी वार कर रहे ने। चंडीगढ़ तो जगतार पुल्लर, बठिंडा तो गोबिंद सैनी दे नाल न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर जिथे दिल्ली के नाल पंजाब विच लोगों के विरोध का सामना करना पिया, उत्थे ही उन्होंने अपने ही विधायक देवेंद्र सहरावत ने भी मुड़ अरविंद केजरीवाल से हमला किया। सहरावत ने कहा कि पंजाब विच औरतों के शोषण बारे संजय सिंह नूं जानकारी सी, पर फिर भी केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। संजय सिंह की मान हानि की चुनौती नूं भी सहरावत ने स्वीकार किया है। तो इस दे नाल ही उसने केजरीवाल के मंत्रियों से, उन्होंने केजरीवाल के मंत्रियों से लाइफ स्टाइल से भी तंज कसिया। उन्होंने नाल खास गलबात की साढ़े पत्रकार पुनीत परिंजा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली के विधायक देवेंद्र सहरावत, उनसे बात करते हैं। सर, आपने अरविंद केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है, क्या है उसमें पूरा? पंजाब की मैंने बात करी थी तो पंजाब में जो एक्स कन्वीनर हैं फिरोजपुर की, अमनदीप कौर, उन्होंने कहा है कि 53 महिलाओं का शोषण हुआ है और ये पंजाब महिला आयोग में रिपोर्ट दर्ज करी है। एक पंजाब के एक और भी सामने आता है, एक ऑब्जर्वर है विजय चौहान, उनके ऊपर भी एलिगेशन। हाँ जी, ये विजय चौहान जो हैं ये ऑब्जर्वर हैं और इनके ऊपर भी ये बात आई है कि ये अपनी कामवाली के साथ उन्होंने शोषण किया, ऑडियो सोशल आया है। ये सारी बातें दुर्गेश और संजय सिंह के पास गई है, रिपोर्ट हुई है, सबने कहा है। यानी कि उनको इन सारी बातों का उनको पता था कि इस तरह की हरकतें जो है पार्टी के अंदर हो रही हैं। हाँ, सारी सूचना उनको गई है, लेकिन उन्होंने इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आवाज उठाने पर खुद अरविंद केजरीवाल मुझे कहते कर्नल तो पागल है, कर्नल तो पागल है कहते। अरे भाई, आपने 2 साल में भ्रष्टाचार करने में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, आप इतने तेज हैं तो आपको तो हम पागल ही लगेंगे। भाभी जी जो हैं वो स्विट्जरलैंड से शॉपिंग करके आती, मनीष सिसोदिया का परिवार, गोपाल राय का परिवार जो है, उनके भाई बंधु सब ने जो है खूब प्रगति करी है। मंत्री जी जो हैं, संदीप कुमार जिनका वीडियो निकला था, ये मंत्री जी इनका टोटल एफिडेविट में एसेट्स हैं 13 लाख और ये अपनी पत्नी को 3 बार इंग्लैंड लेकर गए यूएसए में और वहां पर बच्चे का जो है बर्थ करवाया, उनको जो है ग्रीन कार्ड दिलवाने के लिए। आम आदमी पार्टी पंजाब की महिला विंग है, उन्होंने महिला आयोग को एक चैट लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सहरावत साहब जिन्होंने महिला शोषण का मुद्दा उठाया था उन्होंने पंजाब की औरतों का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। कहां से कौन सा लॉजिक बनता है कि उन्होंने पंजाब की महिलाओं का जो है उनकी बदनामी कर दी? मैं तो उनका भाई हूं। संजय सिंह ने आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है, तो मैं तो यही कहूंगा, सबूत नहीं है उनके पास। हाँ, मैं तो ये कह रहा, बहुत देर हुई नंदलाला, थोड़ा थोड़ा जल्दी करो, देर किस बात की, जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है। सहरावत साहब जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मांग की है कि दिल्ली सरकार आंकड़े जारी करे कि जो महिलाओं के खिलाफ शोषण हुआ है वो कितना शोषण के जो है मामले सामने आए हैं पंजाब से और दिल्ली से और उन्होंने क्या कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन जयवीर कावत के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, पंचकुला। संदीप कुमार दे बचाव विच विवादित ब्लॉग लिखण वाले आम आदमी पार्टी दे आगू आशुतोष दिल्ली विच कौमी महिला कमिशन दे सामने पेश होए ते आम आदमी पार्टी दे आगू आशुतोष ने इस तो पहला कौमी महिला कमिशन दी प्रधान ललिता कुमार मंगलम दे बीजेपी नाल जुड़े होने का इल्जाम लाया सी। आशुतोष सवेरे करीब 11:30 बजे राष्ट्रीय महिला कमिशन के दफ्तर पहुंचे, नोटिस का जवाब दिता। बाहर निकल तो बाद आशुतोष ने कौमी महिला कमिशन के नोटिस एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन दस्या, कहा कि जेकर कुछ भी गलत किया तो फांसी से चढ़ा दो। मेरे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन है,
और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। He said you cannot threaten me into making saying what you want me to say। तो मुझे उनको कहना पड़ा कि देखिए हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, आपका कंसेंट की जरूरत है, अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो मैं प्रश्न पूछूंगी नहीं। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।